वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती मेरे नाना की फेवरेट काली तोरी कह लो या झींगा तोरी कह लो वो बना रहे हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें हमारे पास ये ऐसी लगती है, ये यूं थी और मैंने तोड़ के इसको थैली में डाली थी। तो ये जो है 350 ग्राम के आसपास और 1 पाउंड से थोड़ी सी कम है। तो बेसिकली ये जो है, ये शार्प एजेस जो होते हैं ये इस वेजिटेबल की खूबी है। जो मैं छोटी थी ना तो मुझे यही खामी लगती थी। मेरे नाना इतने शौक से खाते थे गरम गरम रोटी के साथ, अब मैं कहती थी, वो कहते थे खाओ खाओ, तो मैं कहती थी नहीं ये बहुत सख्त किनार है, तो वो कहते थे यही तो अच्छा लगता है, यूँ कहते थे। देखो वो गुजराती में बोलते थे खरे खर भाव है, तो मुझे उस वक्त ताज्जुब होता था, लेकिन अब मुझे भी अच्छी लगती है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रेप करेंगे, बहुत नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत करेंगे तो मेरी नाना की रूह तड़प जाएगी। मैं उनको नाखुश कर ही नहीं सकती और अब मुझे भी अच्छा लगता है। तो देखें ये पूरी किनारी नहीं निकालेंगे, इसको हल्का सा किनारी को निकाल देंगे, जो बिल्कुल शार्प है ना उसको निकाल देंगे। तो ये वैसे धुली हुई है, साफ सुथरी है। जो मोटी और सख्त है वो तो देखिए यूं भी निकल जा रही है, वो बॉदर करेगी खाने में। अदरवाइज अगर नॉर्मल पकी हुई है ना, जैसे कि किनारे यूं छिलके निकल रहे हैं, तो बस उसको हल्का हल्का स्क्रेप कर लें। मुझे आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई नई नई वेजिटेबल्स दें, तो एक्चुअली तो ये नई नई तो नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में इनकी नई नई है वैल्यू, क्योंकि हम इतना खाते ही नहीं हैं। पुराने वक्तों में तो इतनी वेजिटेबल्स खाई जाती थी, हेल्दी भी रहते थे, बजट भी फ्रेंडली रहता था, सिंप्लिसिटी रहती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अलग अलग वेजिटेबल्स बनाएं, आप भी खुश, हम भी खुश और हेल्दी भी। तो ये देखें मैंने स्क्रेप कर लिया नाना को खुश करते करते। अच्छा, और इसको गुजराती में, वैसे मैंने काली तोरी कहा, झींगा तोरी कहा, और गुजराती में इसे घिसोड़े कहते हैं। तो चले देखें, मैं वॉक में बना रही हूँ। वॉक में बनाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी बर्तन में बनाएं जैसा आपका दिल चाहता है। तो देखें 3-4 टेबलस्पून हम यहाँ तेल डाल देंगे, और चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है, तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून रायदाना, और ये तोरी को जो है वो काटते जाएंगे, वो जब तक सिजल हो रही है हाफ करेंगे। सर्कल में भी काट सकते हैं और इस तरह से भी काट सकते हैं, तो ये बस इस तरह से काट लेंगे। देखिए राय कितनी अच्छी तरह सिजल हो रही है। चले ये देखें हमारी तोरी जो है वो कट गई, और ये रायदाना जो है वो बड़े अच्छे से गर्मा गर्म हो गया। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। कवर कर देंगे ताकि डांसिंग शो जो है वो हर जगह ना हो, अंदर ही हो। चले खोलते हैं। चले अब इसमें हम डाल देंगे अपनी तोरी, चले इसको मिक्स कर लेते हैं। चले अब इसको हम कवर करते हैं 30 सेकंड के लिए, ताकि ये राय जिंजर गार्लिक में खुशबूदार बन जाए, और फिर खोलेंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए 30 सेकंड हो गई है, और ये अब इसको हम खोलते हैं। चले अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून पानी, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। और अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे,
जो कि कुछ यूं है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। चलें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अब इसको हम अच्छे से 3-4 मिनट भूनेंगे। देखिए 4-5 मिनट हो गए, तेल भी ऊपर आ गया है, बड़े अच्छे से हमारी ये तोरी जो है वो भुन गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी, या आप मीडियम या लार्ज टोमेटो डाल दें, एक छोटा छोटा काट के। ये शोरबे वाली भी बनाई जा सकती है और भुनी भुनी भी टाइप की बनाई जा सकती है, दोनों तरीके से बहुत अच्छी लगती है। बस अब इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए तेल ऊपर आ रहा है, तो इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब आपको कितना शोरबा पसंद है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। मैं इतना डालूंगी कि भुना भुना टाइप का ढीला ढीला थोड़ा सा मसाला रहेगा। तो चलिए इसमें हम पानी डालते हैं। ये मैंने डाल दिया है 1/2 कप। मिक्स करेंगे अच्छे से और अब इसको हम बिल्कुल स्लो करके मीडियम लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं 8-10 मिनट में। देखिए 10-12 मिनट हो गई है, खुशबू में बड़ी आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और देखते हैं कैसा लग रहा है। देखें कैसा ज़बरदस्त सा लग रहा है। चलिए डिश आउट करते हैं। अगर आपको इसमें शोरबा चाहिए तो बेशक आप इसमें 1/2 कप पानी डाल दें, 1 कप डाल दें, किसी किसी को शोरबे वाला अच्छा लगता है। तो चले डिश आउट करते हैं। बिलीव मी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, नाना सही कहा करते थे। तो देखा कैसे झटपट हमने काली तोरी कह लो, झींगा तोरी कह लो, ये घिसोड़े बना लिए। ऊपर नाना भी खुश हो गए और हम भी खुश हो गए। और अब मैं ट्राई करके बताती हूँ कि लग कैसी रही है। और ये शोरबे में भी बहुत अच्छी लगती है वैसे, अगर आप चाहें तो बेशक इसका शोरबा बनाएं। चल सही कहते थे नाना बचपन में, वो अगर किनारी ही इसकी खूबसूरती है और किनारी इसको दूसरों से अलग करती है, वरना तो ये लौकी जैसी हो जाती, वरना तो वो सिंपल तोरी जैसी हो जाती। इसका किनारा आइडेंटिफाई करता है टेक्सचर का, टेस्ट का, कि बीच में नरम है, जूसी है और आसपास हल्के हल्के किनारे हैं। और बस हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर देनी है, एहसास किनारों का रहने देना है, ताकि नाना भी खुश हम भी खुश। अब एक बाइट तो आप लोगों के लिए बनता है। इतना बैलेंस मसाले हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, लग ही नहीं रहा है कि वेजिटेबल खा रहे हैं। वो टमाटर का जो मसाला है और ये दूसरे मसालों के साथ जो चिपका चिपका सा है ना, ऐसा मुरगन जैसा लग रहा है, जबकि हमने इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं की है। बनाना बनता है और हर वेजिटेबल्स में अपनी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज़।